किसी से प्यार होता है तो उसे अपने प्रेमी या प्रेमिका के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि चाहे आम इंसान हो या फिर सेलिब्रिटी, अपने मनपसंद इंसान से शादी करना आज भी इतना आसान नहीं है। ऐसे ही कई टीवी सितारे हैं जिनके माता पिता उनके लव मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन इन स्टार्स ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी रचाई है। कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल, आपको भी बताते हैं। कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह फेमस कपल्स में से एक हैं। उनके प्यार की शुरुआत वन नाइट स्टैंड के बाद हुई थी। फिर कृष्णा की जिंदगी में कश्मीरा की एंट्री हुई तो वो तलाकशुदा थी। बताया जाता है कि गोविंदा के परिवार ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया था, लेकिन दोनों ने इसके बावजूद शादी कर ली और काफी समय तक परिवार से रिश्ते को छुपा कर रखा। सुधा चंद्रन रविदास। टीवी से लेकर फिल्मों तक में धाक जमा चुकी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन को एसोसिएट निर्देशक रवि दांग से प्यार हो गया था, लेकिन एक्ट्रेस की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था। ऐसे में सुधा चंद्रन ने अपनी मां के खिलाफ जाकर रवि दांग से शादी की। हालांकि उनके परिवार ने बाद में रवि को अपना लिया था। रक्षंदा खान और सचिन त्यागी। रक्षंदा खान और सचिन त्यागी की शादी भी आसान नहीं रही। रक्षंदा खान का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि सचिन त्यागी पहले से तलाकशुदा थे और साथ ही दो बच्चों के पिता भी थे। एक्ट्रेस का परिवार नहीं चाहता था कि वो सचिन से शादी करे, लेकिन उन्होंने परिवार से बगावत कर सचिन त्यागी से शादी की और बाद में उनके परिवार ने भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। मिट से भी अर्चना पूरन सिंह। अर्चना पूरन सिंह इन दिनों टीवी पर कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा में नजर आई। अर्चना पूरन सिंह और परमित सेठी की शादी से भी उनका परिवार खिलाफ था, क्योंकि अर्चना पहले से तलाकशुदा थी और परमित से उम्र में काफी बड़ी भी थी। जिस दिन परमित सेठी के पिताजी ने इस रिश्ते के लिए मना किया तो उन्होंने रातों रात शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अर्चना को प्रपोज किया और शादी कर ली। मंदिरा बेदी। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मंदिरा और राज कौशल की मुलाकात मुकुल आनंद के घर पर पहली बार हुई, यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। हालांकि उनके लिए शादी का सफर आसान नहीं था क्योंकि मंदिरा के माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, लेकिन दोनों के प्यार के आगे किसी की नहीं चली और 1999 में कपल ने शादी कर ली। 2021 में राज कौशल का निधन हो गया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने बहुत ही मजबूती के साथ खुद को और परिवार को संभाला है। उनके दो बच्चे भी।